हाँ दोस्तों, फिर से आ चुका हूँ आपके लिए एक और प्रोडक्शन का वीडियो लेकर के। और दोस्तों, आप एक ड्रीम इलेवन के यूजर हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पूरा प्लेइंग इलेवन टीम सेलेक्ट करके देने वाला हूँ। और दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलेगा। और दोस्तों, इसमें आज का जो मुकाबला हो जाएगा वह इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज़ के बीच ODI का जो मुकाबला नंबर हो जाएगा वह थर्ड मुकाबला नंबर हो जाएगा। तो आप एक ड्रीम इलेवन के यूजर है तो यह वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्लेइंग इलेवन टीम सेलेक्ट करके दूंगा। साथ में आपको यहां पर से कैप्टन, वाइस कैप्टन ये सभी सेलेक्ट करके दूंगा। और आज आप वीडियो को वॉच कर लेते हो तो आप ढेर सारा पैसा जो है वह आप ड्रीम इलेवन से विन कर सकते हो। तो दोस्तों, पैसा जीतना है तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो पूरा देख लेते हो तो इसमें आपको पूरा प्रिडिक्शन मिलेगा कि आज का पिच रिपोर्ट कैसा रहने वाला है, बैटिंग पिच होने वाला है या बॉलिंग पिच होने वाला है। और दोस्तों, आज का जो मुकाबला खेला जाएगा क्या या किस स्टेडियम पर खेला जाएगा, तो दोस्तों वीडियो देख लेते हो तो इसमें आपको पूरा यहां पर से प्लेइंग इलेवन टीम मिल जाएगा। क्या आज आपको फिर यहां पर से शिखर धवन के बल्ले से रन जो हुआ सेंचुरी देखने को मिलेगा, या दोस्तों यहां पर से आज फिर आपको साई होप जो हुआ 70-75 रन आपके टीम में रहता है तो मार करके दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये सभी जानने के लिए आप वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी बारीकी से जानकारी देता हूँ। उससे पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात रहेगा, जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना। टेलीग्राम चैनल पर फाइनल टीम, ध्यानपूर्वक आप सुनना, फाइनल टीम जो आपको देखने को मिलता है वह टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलता है। तो ज्वाइन होने के लिए आपको इसका लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, नहीं तो आपको कॉमेंट बॉक्स में भी वह लिंक मिल जाएगा। मैं वहाँ पर से मैसेज में कॉमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया हूँ। तो दोस्तों, फाइनल टीम आपको कैसे मिलेगा, जैसे देख लो, यह मुकाबला स्टार्ट होगा 7:00 PM। और दोस्तों, यहाँ पर से जब यह मुकाबला 7:00 PM स्टार्ट होता है और टॉस हो जाता है, टॉस होने के बाद फाइनल टीम आपको जो हुआ टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगा। तो जल्द से ना जाओ और ज्वाइन हो जाना भाई लोग, जल्दी से ना फाइनल टीम आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम पिच रिपोर्ट की बात करते हैं कि पिच रिपोर्ट कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, पिच रिपोर्ट मालूम हो जाएगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इस पिच पर कौन खिलाड़ी का कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है, ये आप वीडियो को सिर्फ पूरा ध्यानपूर्वक वॉच करना। तो यहाँ पर से देख सकते हो, आज का जो मुकाबला होने जा रहा हुआ क्वींस पार्क ओवल में मुकाबला खेला जाएगा। और दोस्तों, यानी दो ODI जो खेला गया था इसी स्टेडियम में खेला गया था, तो तीसरा भी ODI जो होगा वह इसी स्टेडियम में होने वाला है। और दोस्तों, यहाँ पर से आपको दिखाई देता हुआ बैटिंग पिच, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर से दो मुकाबला ODI का हुआ है और यहाँ पर आपको 300+ रन देखने को मिला है। तो क्या फिर से आज आपको यहाँ पर से इस पिच पर 300 रन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वीडियो पूरा वॉच करते रहना। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर से कुछ खिलाड़ी है जिसका परफॉर्मेंस देख सकते हो इस स्टेडियम पर, यानी क्वींस पार्क ओवल के स्टेडियम पर, जैसे हो गए साई होप, श्रेयस अय्यर। तो दोस्तों, यहाँ पर से देख सकते हो साई होप दो मुकाबला के लिए 61 रन मारे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर से आपको दिखाई देता हुआ स्ट्राइक रेट जो है वह आपको दिखाई देता हुआ 79 का। वही बात कर लेते हैं यहाँ पर से श्रेयस अय्यर की, तो दोस्तों दो मुकाबला के लिए यानी आपको पूरा परफॉर्मेंस यहाँ पर से मिल जाता हुआ। वही बात कर लेते हैं मेयर्स की, तो दो मुकाबला के लिए 57 रन मारे। और दोस्तों, यहाँ पर से स्ट्राइक रेट देख सकते हो इनका 125 का स्ट्राइक रेट है। वही शिखर धवन की बात कर लेते हैं, तो भाई शिखर धवन ही यहाँ पर मैच रन जो मारते हुआ आपको 55 दिखाई देता हुआ। शुभम गिल आप देख सकते हो, निकोलस पुरन का नजर आता हुआ। वही बॉलिंग सेक्शन की यहाँ पर से बात कर लेते हैं, बॉलर्स कौन बॉलर्स यहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा विकेट लेकर के देता है। तो दोस्तों, पिछले मुकाबले में यहाँ पर जो शार्दुल ठाकुर ने यहाँ पर से 2-3 विकेट लिए थे। वही बात कर लेते हैं जोसेफ की, तो दोस्तों यहाँ पर से अल्जारिस जोसेफ दो मुकाबला के लिए 2 विकेट लिए। वही जी मोटी की बात कर लेते हैं, एक मुकाबला खेल करके 2 विकेट लिए। उसके बाद देख सकते हो बहुत सारा यहाँ पर से आपको दिखाई देता हुआ, जैसे सेफर्ड हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए। तो दोस्तों, ये सभी देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि इस पिच पर यानी कौन बॉलर्स को विकेट मिलने का काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है, या कौन यहाँ पर से जो हुआ बैटिंग लाइन से 100+ रन मारते या 50+ रन आपको मार करके दे सकते। तो वीडियो देख लो, आपको यहाँ पर से पूरा प्लेइंग इलेवन टीम सेलेक्ट करके दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर से देख सकते हो इस पिच पर, यहाँ पर टोटल स्कोर की बात कर लेते हैं, तो आपको टोटल स्कोर जो दिखाई देता होगा वह 273 का टोटल स्कोर है। वही इनिंग स्कोर की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर से आपको जो इनिंग यानी एवरेज स्कोर दिखाई देता होगा 290 का। तो दोस्तों, इस स्टेडियम पर तो यहाँ पर दो मुकाबला हुआ है, एक पर आपको 108 रन देखने को मिलेगा और एक मुकाबला में यानी फर्स्ट ODI में मिला था, वही सेकेंड ODI में आपको यहाँ पर से 311 रन देखने को मिला था। तो दोस्तों, आज की मैच में भी आपको यहाँ पर से जो वह 300+ रन इस पिच पर देखने को मिलेगा। तो चलिए, मैं यहाँ पर से बैक चले जाता हूँ।
बैक आने के बाद दोस्तों जब ये दोनों के बीच मुकाबला होता है तो यहाँ पर से देख सकते हो जो यहाँ पर से वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत जो विन करता है वह आपको दिखाई देता हुआ 60% वही वेस्ट इंडीज जो भारत के खिलाफ विन करता हुआ 40% आपको दिखाई देता हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर से कुछ इंपोर्टेंट जानकारी था जो मैं आपको दे दिया हूँ 40% 60% का, ताकि इसे टीम सेलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं अब क्या करता हूँ, अब मैं अपना ड्रीम इलेवन अप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ। और दोस्तों आप यहाँ पर से वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखना ताकि आपको कोई परेशानी ना होगा, मैं यहाँ पर से आसानी तरीके से प्लेइंग इलेवन टीम सेलेक्ट करके दे दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर से विकेट कीपर में आप देख सकते हो, आपको विकेट कीपर में जो नज़र आते होंगे साई होप हो गए, संजू सैमसन, आपको दो विकेट कीपर नज़र आते होंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर से किसको रखना है, तो दोस्तों सबसे पहले संजू सैमसन को मैं फिलहाल ड्रॉप करके ही चलूँगा, मैं इनके बारे में भी चर्चा करूँगा। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर से साई होप एक विकेट कीपर को ले लिया हूँ। और दोस्तों पिछले मुकाबला में मैंने बोला था यदि वेस्ट इंडीज सबसे पहले यानी फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है तो भाई साई होप के बल्ले से आपको 70+ रन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर से जो मेरा वीडियो पिछले मुकाबले में देखे थे बहुत सारा भाई मुझे कमेंट कर रहे थे भाई आपका प्रिडिक्शन काफ़ी ज़्यादा सटीक रहा था, क्योंकि दोस्तों मैं सबसे पहले बता देता हूँ मैं जो कैप्टन बना करके दिया था वह साई होप को बना करके दिया था। वही बीसी की बात कर लेते हैं तो दोस्तों मैं जो बीसी सेलेक्ट करके दिया था वह मायर्स को सेलेक्ट करके दिया था। तो वीडियो ध्यानपूर्वक देखे हुए तो आप यहाँ पर से कोई परेशानी नहीं होगा और आप यहाँ पर से प्लेइंग इलेवन टीम सेलेक्ट कर लोगे और कैप्टन और बीसी सेलेक्ट कर लोगे। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को सबसे बड़ा इंपोर्टेंट बात तो रहता हुआ टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो तो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही टॉस होने के बाद मैं हर एक रोज वहां पर से देता हूं। तो दोस्तों यहां पर से मैंने आपको बोला था पिछले मैच में जो साई होप के बल्ले से आपको 70+ रन देखने को मिलेगा यदि वेस्ट इंडीज सबसे पहले बैटिंग करता है तब। तो दोस्तों वही हुआ था, यहाँ पर से साई होप ने सेंचुरी यानी 100+ रन की पारी खेले थे तो मैं यहाँ पर से साई होप को सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से चर्चा कर लेता हूँ संजू सैमसन की, तो पिछले मुकाबला में भी मैं इनको नहीं सेलेक्ट किया था। तो चलिए मैं इनके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि दोस्तों ये अनफॉर्म चल रहे हैं। और दोस्तों इनको बैटिंग का मौका जो दिया जाता है वह 4थे नंबर पर या 5वें नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, लेकिन बट उनका इनका जो वह बैटिंग लाइन काफ़ी अच्छा नहीं रहता है, इसलिए मैं अभी इनको नहीं सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हो बैटिंग सेक्शन में आपको नज़र आते होंगे शिखर धवन, निकोलस पुरन, सूर्य कुमार यादव, एस ब्रुक्स, और दोस्तों आपको यहाँ पर से दीपक हुड्डा नज़र आते होंगे, श्रेयस अय्यर नज़र आते होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से आप देख सकते हो वी किंग नज़र आते होंगे, रोमन पॉबल, शुभम गिल, तो दोस्तों ये सभी खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर से शिखर धवन, तो दोस्तों शिखर धवन के बल्ले से आज कितना रन देखने को मिलेगा ये आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो दोस्तों शिखर धवन और साथ में यहाँ पर साई होप, इनके बारे में मैं नहीं चर्चा किया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर से साई होप यदि आज भी फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते तो भाई इनके बल्ले से 40+ रन देखने को मिलेगा। तो साई होप भी काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, तो मैं यहाँ पर से इनको सेलेक्ट कर लिया हूँ, लेकिन आज सबसे ज़्यादा जो इंपोर्टेंट रहेगा वह शिखर धवन रहेगा। तो दोस्तों शिखर धवन को ले लेना काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि आज भी इनके बल्ले से आपको 50+ रन देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप चाहो तो इसे कैप्टन या बीसी में भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपको आगे बता दूंगा किसको कैप्टन और किसको बीसी बनाना है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हो आपको शिखर धवन, निकोलस पुरन, सूर्य कुमार यादव, एस ब्रुक्स आपको नजर आते होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर से आपको बता देता हूँ ऑलराउंडर्स में यदि सबसे पहले यहाँ पर से ओपनिंग करने जो आते हैं मैं उनको सेलेक्ट करूंगा। ओपनिंग करने वेस्ट इंडीज की तरफ से पिछले मुकाबले में यहाँ पर से मेयर्स नजर आए थे और साथ में दोस्तों यहाँ पर से साई होप वह आपको ओपनिंग करते हुए नजर आए थे। तो फिर आज यही दोनों हो सकते हैं, तो ओपनिंग करने आएंगे तो कन्फर्म है यही दोनों वेस्ट इंडीज की तरफ से ओपनिंग करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से शिखर धवन को रख लिया हूँ। उसके बाद आपको बता देता हूँ दीपक हुड्डा, तो दोस्तों यहाँ पर से दीपक हुड्डा बॉलिंग भी करता है तो दीपक हुड्डा को रखना चाहते हो तो रख सकते हो, एक आध विकेट इनको मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ पर से बैटिंग लाइन इनका काफ़ी ठीक ठाक नहीं है तो मैं फिलहाल अभी इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ। लेकिन श्रेयस अय्यर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो मैं यहाँ पर से श्रेयस अय्यर को सेलेक्ट कर लिया हूँ। और दोस्तों शुभम गिल, तो दोस्तों शुभम गिल से आज उतना उम्मीद नहीं लगा सकते, लेकिन आप चाहो तो शुभम गिल को ले सकते हो। आप थोड़ा टीम सबसे अलग बनाना चाहते हो तो शुभम गिल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं यहाँ पर से शुभम गिल को सेलेक्ट कर लिया हूँ। और दोस्तों सबसे पहले चर्चा कर लेता हूँ यहाँ पर से श्रेयस अय्यर के बल्ले से आपको कितना रन देखने को मिलेगा। तो भाई आज भी आपको इनके बल्ले से 50+ रन रहने वाला और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, तो मैं यहाँ पर से श्रेयस अय्यर को सेलेक्ट कर लिया हूँ। साथ में यहाँ पर से शुभम गिल को सेलेक्ट कर लिया हूँ और आप यहाँ पर से देख सकते हो शिखर धवन। उसके बाद मैं जो यहाँ पर से सेलेक्ट करूँगा निकोलस पुरन को, और दोस्तों आप चाहते हो निकोलस पुरन को छोड़ करके आप
यहाँ पर से चाहते हो ब्रुक्स को रखना तो ब्रुक्स को रख सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पर से ऑलराउंडर्स में आप चाहते हो बनाना तो सेफर्ड के लिए उसके बताऊँगा आपको किसको रखना है किसको ड्रॉप करना है। तो फिलहाल आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहेगा वह यहाँ पर से निकोलस पुरन ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो बैटिंग करने आएंगे वह एस ब्रुक्स के बाद ही यहाँ पर से आपको निकोलस पुरन जो है वह बैटिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ पर से चलिए मैं निकोलस पुरन को ही रख लिया, क्योंकि पिछले मैच में भी इनके बल्ले से 50+ रन था। तो दोस्तों यहाँ पर से आपको बता देता हूँ अब ऑलराउंडर्स सेक्शन में आपको किसको लेना है। तो दोस्तों ऑलराउंडर्स में आप देख सकते हो मैं यहाँ पर से मेयर्स को सेलेक्ट कर लिया हूँ, लेकिन दोस्तों अक्षर पटेल पिछले मैच में तो बहुत ही ताबातोड़ पारी खेले थे और शानदार पारी खेले थे और मेरे टीम में था। और जो भाई टेलीग्राम चैनल से टीम लिए होइएगा उनको मालूम होगा कि मैं यहाँ पर से इनको भी रखे हुआ था। तो यहाँ पर से अक्षर पटेल क्या आज फिर आपको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो दोस्तों आप चाहो तो अक्षर पटेल को रख सकते हो, ये इंपोर्टेंट रहेगा। और दोस्तों सेफर्ड को आप चाहो तो रख सकते हो, लेकिन मैं तो अभी सेफर्ड को ड्रॉप करके ही चल रहा हूँ। उसके बाद बात कर लेता हूँ आपको मेयर्स कितना विकेट ले सकते हैं और रन कितना मार करके दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर से मेयर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये ओपनिंग करने यानी फर्स्ट डाउन पर ही बैटिंग करने आते हैं वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, तो ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। तो इनके ये तो सबसे पहले यहाँ पर से आपको पूरा जो हुआ 10 ओवर बॉलिंग करके देंगे। और दोस्तों ये बॉलिंग करते हैं तो इनको 2+ फिक्स रहता है भाई, इनको मिल ही जाता है। तो यहाँ पर से मेयर्स को रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही बात कर लेते हैं अक्षर पटेल की। तो दोस्तों अक्षर पटेल यहाँ पर से ये भी पूरा 10+ बॉलिंग करते हैं और बैटिंग लाइन भी ठीक ठाक रहता है। यदि इनको बैटिंग का मौका मिलता है तो बैटिंग से भी काफ़ी अच्छा खासा रन मारते हैं। तो मैं इनको सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद मैं बॉलिंग सेक्शन में जाता हूँ। तो दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में आप देख सकते हो चहल नज़र आते होंगे, जोसेफ नज़र आते होंगे, मोटी नज़र आते होंगे, शार्दुल ठाकुर, और दोस्तों यहाँ पर से आप देख सकते हो प्रसिद्ध कृष्णा तो अभी नहीं खेल रहे, इनको नहीं खिलाया जा रहा, तो मैं इनके बारे में नहीं चर्चा करूँगा। मोहम्मद सिराज और दोस्तों यहाँ पर से आपको आवेश खान नज़र आते होंगे। तो किसको रखना है किसको ड्रॉप करना, सबसे पहले जोसेफ को रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहां पर से जी मोटी में या चहल में इन दोनों में से किसको आपको रखना है मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों जी मोटी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और आप चाहते हो चहल को रखना तो रख सकते हो, लेकिन आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हो तो आपको फाइनल टीम जो हुआ टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जोसेफ आज आपको 2 विकेट लेकर के देने वाला है, मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ आप पूरा ध्यानपूर्वक देखना और आप यहां पर से आसानी तरीके से जो हुआ प्लेइंग 11 टीम सेलेक्ट करके कैप्टन और वीसी सभी सेलेक्ट करके दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से पिछले मैच में तो शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट लिया था, तो मैं यहाँ पर से शार्दुल ठाकुर को रख लिया, इंपोर्टेंट बॉलर होने वाला है। तो शार्दुल ठाकुर हो गए। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद सिराज राणा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है और चाहते हो यहाँ पर से जी मोटी को ड्रॉप करके यहाँ पर से आप हुसैन को रखना तो रख सकते हो, लेकिन आपके लिए यही बॉलर्स काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा और स्पिनर राणा एक बॉलर्स में काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों मैंने इस प्रकार से जो वह प्लेइंग 11 टीम सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर से नेक्स्ट करता हूँ। अब बारी आती है कैप्टन और वीसी की। कैप्टन किसको बनाना है, वीसी किसको बनाना है, मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों यहां पर से आज का जो मेरा कैप्टन रहेगा वह शिखर धवन रहेगा, वही वीसी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों वीसी में आपको 2-3 मौका देता हूं। आप वीसी में मेयर्स को भी ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप यहां पर से 2-3 टीम लगाते हुएगा तो शार्दुल ठाकुर को भी ट्राई कर सकते हो, और नहीं तो दोस्तों आप यहां पर से मोहम्मद सिराज को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेरा जो वीसी रहेगा वह मेयर्स ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों मैं टीम दिखा देता हूं, अभी जो मैं आपको टीम सेलेक्ट करके दिया हूं किस प्रकार से। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों फाइनल टीम जो आपको टॉस होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कराते हैं। तो विकेट कीपर में आप देख सकते हो मैंने किस प्रकार से साई होप को सेलेक्ट कर किया हूँ। बैटिंग सेक्शन में शिखर धवन, निकोलस पुरन और दोस्तों आपको श्रेयस अय्यर, शुभम गिल नज़र आते होंगे। ऑलराउंडर्स सेक्शन में आप देख सकते हो ऑलराउंडर्स में आपको अक्षर पटेल, मेयर्स नज़र आते होंगे। बॉलिंग सेक्शन में आप देख सकते हो आपको बॉलिंग सेक्शन में शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, जोसेफ और दोस्तों जी मोटी। तो इस प्रकार से मैंने अभी जो प्लेइंग 11 टीम सेलेक्ट करके दे दिया हूं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हो तो टॉस होने के बाद फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलेगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन जो रहता है वह काफ़ी ज़्यादा सटीक रहता है। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने से ये होता है कि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा और आप वहाँ पर से वीडियो देख करके आप अपने ड्रीम 11 में जो वह इस प्रकार से प्लेइंग 11 टीम को सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए प्रेडिक्शन का वीडियो लेकर के।